हाय फ्रेंड्स, आज फिटनेस फाइटर के चैनल पे आज और एक बार आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप लोगों को मैं शोल्डर के वर्कआउट बताऊंगा। अभी होम वर्कआउट है। आज की जो लाइफस्टाइल है जिसमें हमें एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, तो हम आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे बिना किसी वेट्स की, शोल्डर एक्सरसाइज जो आप घर पर भी कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले जो हम एक्सरसाइज लेंगे वो है प्लैंक अप्स। वो एक शोल्डर कम्प्लीट शोल्डर वर्कआउट है। जब पहले जो हम पोजीशन लेंगे वो प्लैंक की पोजीशन रहेगी। प्लैंक तो ज़्यादा कर सबको पता ही है। लेकिन अब जो है शोल्डर्स अप एंड डाउन। कम ऑन, हर वर्कआउट जो रहेगा वो 40 टू 50 सेकेंड्स का रहेगा। हम जो होम वर्कआउट जो करते हैं तो उसमें हम रेपिटेशंस और टाइमिंग ज़्यादा इसलिए रखते हैं ताकि उसमें प्रॉपर फील हो, क्योंकि वेट्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, कम ऑन, हर एक एक्सरसाइज 40 टू 50 सेकेंड्स में। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये हो गया उनका 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स जाएंगे। ये आप देख रहे हैं इनका कंप्लीट जो है शोल्डर मूवमेंट होगा। थोड़ा सा नीचे जाएंगे और ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम करें। जितना फ्लेक्सिबल होता नीचे जाएंगे उतना ऊपर भी आएंगे। इसमें और एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें इनका पूरा कोर मसल वगैरह, कोर मीन्स द सेंटर ऑफ द बॉडी, एब्स एंड लोअर बैक, द कंप्लीट पार्ट। लास्ट 10 सेकेंड, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसमें एक मैं वेरिएशन भी देना चाहूँगा। मोंटू को बोलूँगा कि आप जो नीचे जाके होल्ड करिए जहाँ पर, यस, जो है टेंशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट होती है होने के बाद में, तो आपको शोल्डर में ज़्यादा पंप मिलेगा। ओके, रिलैक्स करेंगे। जो अगला वर्कआउट जो इनका रहेगा वो रहेगा शोल्डर पुशअप्स। उसके लिए थोड़ा एलिवेशन चाहिए, पैर थोड़ा सा ऊपर चाहिए। सेकेंड वर्कआउट, इसमें भी हम कोई मशीन यूज़ नहीं कर रहे, ये है सिर्फ एलिवेशन देने के लिए। आप सबके घर पे स्टूल तो होगा ही, तो स्टूल के ऊपर पैर रख के आप थोड़ा बॉडी को पीछे लेके आके आपको सिर्फ पुशअप्स लेना है। ये कंप्लीट शोल्डर वर्कआउट है। सर नीचे, सर पूरा नीचे, पूरा सीधा सीधा नीचे जाना है, सर नीचे, बस 40 सेकेंड्स के लिए जाएंगे। रेपिटेशन आप काउंट मत करिए, सिर्फ सेकेंड्स के अंदर 10 सेकेंड्स। आप देख रहे शोल्डर के साथ इनके जैसे ट्राइसेप भी हो रहे हैं। ये स्टेबलाइजर मसल है, सेकेंडरी मसल्स। नेक्स्ट वर्कआउट जो हमारा रहेगा वो है लैटरल्स। ये देखिए, ये जो है कंप्लीट लैटरल एक्सरसाइज है। ये आपके मीडियल लैटरल्स वर्क करते हैं, सेंटर जो कंप्लीट शोल्डर का सेंटर है उसे मिडल बोलते हैं। सिर्फ इसको वॉक करते जाना है, बस अप एंड डाउन, पूरा नीचे नहीं जाना है, पूरा नीचे नहीं जाना है। तो टेंशन मसल पर रहेगी वो सिर्फ ये मोशन से ये मोशन तक रहेगी। ये भी 40 सेकंड्स का वर्कआउट है, कंप्लीट 40 सेकंड्स का। जैसे आप देख रहे हैं इनका जो शोल्डर है वो कंप्लीट वर्क हो रहा है। 10 सेकेंड्स, ये हो गए इनके 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स लेंगे। ये देखिए, ये जो है ये अपने मिडिल डेल्टॉइड्स है, ये अपने मिडिल डेल्टॉइड्स है। इसमें और एक मैं वेरिएशन भी ऐड करूँगा लास्ट 10 सेकेंड्स के लिए, इनके 30 सेकेंड्स हो गए। वेरिएशन ये रहेगा कि जब ये ऊपर लाके इसे होल्ड करके एक सर्कल बनाना है, छोटा सर्कल, फ्रंट एंड बैक ऑन बोथ दी साइड्स। जैसे सर्कल बना रहे, शोल्डर बिल्कुल नहीं उठाना है, सिर्फ सर्कल नॉर्मली बनाना है। 8, 8, 9, 10। अभी इसे फ्रंट भी करना है, फ्रंट 10, 9, 8, 7। शोल्डर बिल्कुल नहीं उठाना है। लास्ट 5, पूरा घुमाइए, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी इनका फ्रंट रेज, वो अपने एंटीरियर डेल्टॉइड्स के लिए रहेगा। एंटीरियर के लिए हम ऑलरेडी वर्क कर चुके हैं। जो शोल्डर की जो एक्सरसाइज है शोल्डर पुशअप्स, वो ऑलरेडी एंटीरियर के लिए भी वर्क होता है साथ में। तो वही हाथ आपको सीधा उठाना है और मूवमेंट्स जो रहेंगे वो सेम मूवमेंट्स रहेंगे। यस, सेम, ये भी 40 सेकेंड्स जाएगा। आप देख रहे हैं इनका एंटीरियर डेल्टॉइड्स पूरा वर्क हो रहा है। ये है हमारा एंटीरियर डेल्टॉइड्स। इसे फास्ट भी कर सकते हैं क्योंकि वेट्स है नहीं, तो इंजरीज के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। 15 सेकेंड्स, कीप गोइंग। लास्ट 15, 14, 13, 12, 11,
10 9 अब जैसे मैंने बताया था लास्ट 10 सेकंड्स में हर वेरिएशन दूंगा मैं हाथ उठा के सर्कल 10 आउटवर्ड्स 10 इनवर्ड्स अभी इनवर्ड्स आएंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and relax. तो गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब तो जरूर करें। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हो और आपको जैसे तरीके वीडियोस चाहिए होंगे तो भी आप बता सकते हो हमें। अगर आपने नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया तो उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट आता रहे। तो गाइस स्टे फिट, स्टे ऑसम, मिलते हैं अगले वीडियो में।